बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडा पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने दो टमाटर काट लिए हैं, आपने अपने हिसाब से जितने काटने हैं काट लें। ये एक मिर्च मोटी वाली काट ली है, ये थोड़ा सा प्याज काट लिया है, ये धनिया है और ये अदरक के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं, ताकि ना जितना अच्छा टेस्ट आएगा, जितनी चीज़ें डालेंगे उतने ही टेस्ट आएगा और ये काली मिर्चों का बनेगा। ये मैंने ऑयल डाल दिया और इसमें अब मैं ये जो टमाटर है वो लगा दूंगी इसमें। अब ये पकेंगे थोड़ी देर और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के उनको नरम करेंगे, क्योंकि सख्त जब आएंगे मुँह में वो अच्छे नहीं लगेंगे। ये थोड़ी सी हम काली मिर्ची इस पर डाल देंगे, इसमें पानी नहीं, ये टमाटरों का ही पानी निकलेगा। ये थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाल दी है और थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे। इसके साथ आपने थोड़ा सा नमक डाल लेना। इसके लिए हम अंडे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये एक ये देखिए, आप इनको पलटा देंगे और इनकी साइड चेंज करेंगे। ये तो ऐसे भी इतने अच्छे खाने में लग रहे हैं। सारे हमने चेंज कर दिए हैं। अब ये अंडे में थोड़ी सी हम काली मिर्ची डालेंगे। ये देखो, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का और हाफ टी स्पून नमक का। तो अच्छी तरह हम फेंटेंगे। साथ ही ये जो चीज़ें, जो मिर्चें, प्याज, धनिया और अदरक काटा हुआ है, ये सारा डाल देंगे इसमें। तो फेंटेंगे, टमाटर हो गए। ये देखिए, ये अंडा है ना जो था, अब हम इस पर डाल देंगे, इस पर अप्लाई कर देंगे ये ऐसे।
करते हैं इसको, ऐसे कर देंगे ताकि ये प्लेट रख के हमने पलट ली है और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हुआ है। अब थोड़ी देर अभी पकेगा। ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं डिश आउट करूँगी, ये बहुत गर्म है और ये अभी बहुत ही गर्म है, इसको ये देखिए थोड़ा समय इधर वाली साइड भी देखें, ये देखिए इतना नाइस तैयार हुआ है। इसे इसी तरह काट के बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे क्योंकि ये नया तरीका है और ये नए नए तरीके से चीज़ें बना के दें तो बच्चे भी शौक से खाते हैं। ये अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएँ। दुआओं में सदा याद रखें, खुश रहें, सलाम रहें और हमारे चैनल का भी ख्याल रखें। अब हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।